जो न थे तो कुछ न था। अगर आप वो जो न थे तो कुछ न था, कल के बदले आज बोल लीजिए। एकदम ऐसा माहौल बनाइए, वैसे सब लोग मकामी हैं, मुझे नहीं मकामी कहा जाता है, हूँ बेरोनी में। ख्याल कीजिएगा आज ऐसा माहौल पैदा कीजिए, मुझे तो समझे कि जलसा कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है। सीरत कमेटी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब लोग सोने का वक्त होता है तो बिस्तर छोड़ के आया करते हैं, है इस बात का लगा रहता है कि लोग भाग जाते हैं। वही गेट पे आने के बाद लोग देखते हैं कि ये सब लोकल बैठे हुए हैं, तो यार हम सब लोकल हैं, बात मुस्तफा की हो रही है। बड़ी अजीब सी सोच हो गई है, 20 मिनट की तकलीफ होगी। आज यादव साहब ने कहा कि जब तक 15-20 मिनट बोलिए, 15-20 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह आप बोलिए बैठिए, बोलता कोई नहीं है, टीम बुलवाती है, जमात बुलवाती है। जब जमात जिंदा रहती है तो कौम का सरदार भी जिंदा रहता है। ऐसा नहीं कि कौम का सरदार बोलता रहे, जमात खामोश रहे, वो थक के चुप हो जाएगा, वो खामोश हो जाएगा। जब जमात बोलती रहती है तो रहबर कमजोर भी होता है तो ताकत आ जाया करती है। आपको नहीं मालूम है, आप नक्शा देखिए, इस्लाम का नक्शा देखिए, जंग का नक्शा देखिए, जिदार का नक्शा देखिए, मुकाबला का नक्शा देखिए, बदर का नक्शा देखिए, उहुद का नक्शा देखिए, खंदक का नक्शा देखिए, एहजाब का नक्शा देखिए, खैबर का नक्शा देखिए। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा एक रहबर थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा एक रहबर थे। जब चले तो कौम पीछे पीछे चल रही है, जमात पीछे पीछे चल रही है, और ऐसा जज्बा पैदा हो गया है, मेरे मुस्तफा ने पैदा फरमा दिया है। फरमाया जमात है, जमात है, जमात सुभान अल्लाह वही से चली है, अहले सुन्नत वल जमात सुभान अल्लाह जमात है, ऐसी जमात चली है, खंदक से लेकर उहुद से लेकर के बदर से लेकर के आज तक जमात चली आ रही है। इंशाअल्लाह ताला वो जमात नहीं जो थक जाती है, यह सुन्नत की जमात है। यही जमात कभी सिद्दीक बन करके, कभी सिद्दीक की इक्तदा में, कभी फारूक की इक्तदा में, कभी उस्मान की इक्तदा में, कभी अली की इक्तदा में, कभी हुसैन की इक्तदा में, कभी ज़ैनुल आबिदीन की इक्तदा में, इमाम जाफर सादिक की इक्तदा में, कभी इनके इक्तदा में, गौसे आजम की इक्तदा में, ख्वाजा अजमेरी की इक्तदा में, बल्कि यूं कह लो बरेली के ताजदार की इक्तदा में चलती जाएगी। वाह 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 वाह, और यही चलती रहेगी। मगर जब आप जागोगे, जब आप बेदार रहोगे, जब आप जिंदा रहोगे तो कौम का रहबर भी जिंदा रहेगा। मुसलमानों, ये लोगों ने मिजाज बना लिया है कि कौम अच्छा, रहबर अच्छा होगा तो टीम अच्छी होगी। कि हाँ ऐसा होता है, वहां सिर्फ काबिलियत है, रहबर काबिल होना चाहिए, मगर ताकत कौम पहुंचाती है, टीम पहुंचाती है। आप जान लीजिए, एक आदमी कमजोर सा रहता है, 100 आदमी नारा लगा दिया उसके नाम का, सुभान अल्लाह 100 आदमी नारा।